कांग्रेस के गढ़ भोकर में बदनुमानी का एक और राज फाश हुआ है। अदालत के हुक्म के बाद नुमाइंदा सदर बल्दिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नांदेड़ के भोकर तालुके में बदनुमानी उरूज पर है। सियासी लीडरों से लेकर सरकारी अफसरों तक हर कोई खुलेआम बदनुमानी कर रहा है। आवाम की शिकायतों और नाराजगी को भी खातिर में नहीं लाया जा रहा है। बिना तामीराती काम किए फंड का गबन तो आम बात हो गई है, लेकिन अब फर्जी रोजगार का ड्रामा रचकर बेरोजगारों से लाखों रुपए ऐंठने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में कारपोरेटर अरुणा विनायक देशमुख की शिकायत पर अदालत ने नुमाइंदा बल्दिया सदर आशुतोष दिगंबर चिंचाड़कर और दो साबिक सीईओ समेत 15 अफराद पर मामला दर्ज कर लिया है। अदालत के हुक्म के बाद भोकर पुलिस ने 120B, 166A, 406, 168, 167 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। भोकर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन भोकर में बदनवानी भी उरूज पर है। साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक चौहान की क़यादत में नांदेड़ ज़िला कांग्रेस के रंग में रंग गया था, लेकिन अशोक चौहान अपने लीडरों और कारकुनों को ही बदनवानी से रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं।